इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान सीईटी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए राजस्थान करंट अफेयर जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक के 180 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और अभी तक आपने हमारे राजस्थान एग्जाम 2022 में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के 120 प्लस क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो करंट अफेयर 180 प्लस में पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन कब किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन अप्रैल 2022 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया रूमा देवी को। रूमा देवी वर्तमान में राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्राकृतिक बचाव केंद्र और पक्षी विहार कहाँ बनने की घोषणा की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में प्राकृतिक बचाव केंद्र और पक्षी विहार बनने की घोषणा बाड़मेर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभयारण्य है और ये आपके राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले के किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले के अनास नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास किया गया। कब किया गया? विश्व आदिवासी दिवस। आपको कमेंट में बॉक्स में बताना है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल पधारो जैसाणेरी लाडली योजना ने किस आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्कूल पधारो जैसाणेरी लाडली योजना ने 10 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु वर्गों की बालिकाओं को लक्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आमागढ़ रिजल्ट चर्चा में था यह प्रसिद्ध कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में आमागढ़ रिजल्ट चर्चा में था यह प्रसिद्ध है लेपर्ड सफारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 से 20 अगस्त 2022 को डीजी फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 19 से 20 अगस्त 2022 को डीजी फेस्ट का आयोजन जयपुर शहर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंपी वायरस के कारण स्वास्थ्य समस्या किसमें हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, लंपी वायरस के कारण मवेशियों को स्वास्थ्य समस्या हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन दो जिलों में आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के दो शहर जयपुर और जोधपुर जिलों में आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान निक्षय संबल योजना का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, टीबी के मरीजों से संबंध है किसका? राजस्थान निक्षय संबल योजना का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, फड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फड़ला सोलर पार्क आपके जोधपुर शहर में स्थित है। कौन सा पार्क? फड़ला सोलर पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा कौशल दिवस पर स्किल एम्बेसडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, युवा कौशल दिवस पर स्किल एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है अशोक यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के सीकर जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस जिले की सरस डायरी ने 17 अगस्त 2022 को स्वर्ण जयंती मनाई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के अजमेर जिले की सरस डायरी ने 17 अगस्त 2022 को स्वर्ण जयंती मनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर का फॉरेंसिक साइंस संस्थान कहाँ शुरू किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर का फॉरेंसिक साइंस संस्थान आपके जोधपुर शहर में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क आपके जयपुर शहर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RFFF का कौन सा संस्करण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RFFF का 10वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में राजस्थान की रैंक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में राजस्थान की रैंक है 12वीं। कौन सी रैंक है? 12वीं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन SS शिंदे ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गाँव है नरसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ बेटी अभियान का शुभारंभ किस जिले से किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वस्थ बेटी अभियान का शुभारंभ अलवर जिले से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्माइल 1.0 कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्माइल 1.0 कार्यक्रम आपके 13 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2021 का बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया, मधु कांकरिया को, ये भी याद रखें। और किस रचना के लिए, हम यहाँ थे इस रचना के लिए 2021 का बिहारी पुरस्कार दिया गया मधु कांकरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के झुंझुनू जिले में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईट राइट स्कूल में देश में राजस्थान ने कौन सा दर्जा हासिल किया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईट राइट स्कूल में राजस्थान ने देश में पहला स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमल कोठारी सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोमल कोठारी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया डॉक्टर महेंद्र भानावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन जयपुर शहर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में राजस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना के लिए असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाबली रचना के लिए असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2021 से व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा असगर वजाहत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य आपके बूंदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड महामारी के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना लागू की गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोविड महामारी के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु योजना स्टार्ट की गई है शिक्षा वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की मेजबानी किसने की है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की मेजबानी जोधपुर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एंड मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एंड मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ 29 नवंबर 2022 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला स्नैक पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देश का पहला स्नैक पार्क आपके कोटा जिले में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 देशों के प्रतिनिधित्व का सम्मेलन राजस्थान में कब आयोजित होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा G20 देशों के प्रतिनिधित्व का सम्मेलन राजस्थान में फरवरी 2023 में आयोजित होगा। और कहाँ पर होगा, तो G20 देशों के प्रतिनिधित्व का सम्मेलन राजस्थान के जोधपुर शहर में फरवरी 2023 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से सम्मानित किया गया प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को, और ये कहाँ के हैं, जयपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस GI टैग प्राप्त वस्तु का IPO लॉन्च किया जा रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की GI टैग प्राप्त वस्तु बीकानेरी भुजिया का IPO लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव कब से आयोजित होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 से लेकर 15 जनवरी 2023 तक। कहाँ पर हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन होगा, जोधपुर शहर में होगा। कब से कब तक, 6 से 15 जनवरी, और कौन सा संस्करण, 32वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र के किस जिले में लेपर्ड सफारी शुरू होगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेपर्ड सफारी शुरू कहाँ होगी, शेखावटी क्षेत्र के झुंझुनू जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान से किसे राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से नवाजा गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मदन लाल जांगिड़ जो कि जोधपुर के हैं, जिन्हें राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से नवाजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर में सड़क दुर्घटना दर में कमी लाने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में सड़क दुर्घटना दर में कमी लाने हेतु सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ने राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कितने अतिरिक्त बजट को मंजूरी प्रदान की है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री ने राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 500 करोड़ के अतिरिक्त बजट को मंजूरी प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान के किस स्मारक को स्वच्छता और बेहतर प्रबंध के लिए पुरस्कृत किया, विश्व पर्यटन दिवस पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान के हवा महल जो कि जयपुर में स्थित है को स्वच्छता और बेहतर प्रबंध के लिए पुरस्कृत किया है। अब बात आती है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपके प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के किस गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के खैरूणा गांव जो कि कहाँ स्थित है, बूंदी में, जिसे राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य के कितने विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य के टोटल 8 विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। वो 8वें विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो देखते हैं, कोटा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किया गया अभय कुमार व्यास को, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया BR चौधरी को,
संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया राम सेवक दुबे। नरेंद्र कर्ण कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया बलराज सिंह को। केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया अरुण कुमार स्वामी को। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया कैलाश सोरानी को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए प्रदीप कुमार प्रजापत। और महाराणा प्रताप तकनीकी और कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए डॉक्टर अजीत कुमार को। तो ये थे 8 विश्वविद्यालय के नए कुलपति। किसने नियुक्त किए? डॉक्टर अरे किसने नियुक्त किए हैं? कलराज मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला संत संग्रहालय कहाँ पर शुरू किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का पहला संत संग्रहालय शमोर बाग में शुरू किया गया। शमोर बाग कहाँ स्थित है? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संस्कृति से जुड़ा 2 दिवसीय अंजस महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो अंजस महोत्सव का आयोजन 29 और 30 अक्टूबर को किया गया है, 2 दिवसीय का महोत्सव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायन संस्थान और राजस्थान पुलिस द्वारा राजस्थान कबीर यात्रा के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान कबीर यात्रा के 6ठे संस्करण का आयोजन उदयपुर शहर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का नाम बदलकर रख दिया गया, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, यानी कि दवा के जगह रख दिया गया निरोगी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2022 से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सीसीटीवी कैमरे से लैस पहली ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बड़कोचरा, जो कि अजमेर में स्थित है। ये पहली ग्राम पंचायत है जो राजस्थान की सीसीटीवी कैमरे से लैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो सबसे पहले आपको बता दिया जाता है कि मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन बाड़मेर शहर में स्थित है और इसका नाम बदलकर रख दिया गया महेश नगर हॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन जयपुर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस फैशन डिजाइनर को मारवाड़ रत्न से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की फैशन डिजाइनर रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला दृष्टिबाधित शिक्षण संस्थान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का पहला दृष्टिबाधित शिक्षण संस्थान का शुभारंभ जयपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितने करने की घोषणा की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.50 लाख, यानी कि 7.5 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप पुरस्कार की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप पुरस्कार की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लव कुश वाटिका कितने जिलों में खोलने को मंजूरी मिली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में लव कुश वाटिका टोटल 33 जिलों, यानी कि सभी जिलों में खोलने की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता तेजा जी का सबसे बड़ा मंदिर राजस्थान के किस जिले में बनने जा रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोक देवता तेजा जी का सबसे बड़ा मंदिर राजस्थान के खड़नाल यानी नागौर जिले में बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मनरेगा में रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर कितने का कर दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मनरेगा में रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर कर दिया गया 125 दिन का। कितने का कर दिया? 125 दिन। स्वास्थ्य देखभाल आंचल अभियान किस जिले में चलाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य देखभाल आंचल अभियान आपके करौली जिले में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान किस स्थान पर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान 10वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पहले स्किन बैंक की शुरुआत कहाँ हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के पहले स्किन बैंक की शुरुआत जयपुर में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन निर्यातक बनों का शुभारंभ कब किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिशन निर्यातक बनों का शुभारंभ 29 जुलाई 2021 को किया गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन आपके रोम में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली वाटर ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की पहली वाटर ट्रेन आपके जोधपुर से लेकर पाली में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा सौर ऊर्जा पंप संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का दूसरा सौर ऊर्जा पंप संयंत्र आपके गढ़सिसर चूरू में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कितने जिलों में लागू की गई है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना आपके टोटल 33 जिलों में लागू की गई है और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2022 से सभी जिलों में लागू की गई है। सभी जिलों में 33 के 33 में कब शुरू की गई है? 1 अप्रैल 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं विधानसभा में राजकीय उपक्रम समिति के सभापति किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं विधानसभा में राजकीय उपक्रम समिति के सभापति नियुक्त किया गया गोविंद सिंह डोटासरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन आपके जोधपुर शहर में किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय सेना द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेज एशिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिसेज एशिया वर्ल्ड 2022 का खिताब सपना सिंह ने जीता है। और सपना सिंह का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है जयपुर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांदूकुई को तहसील बनाया गया ये किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांदीकुई को तहसील बनाया गया ये आपके दौसा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2022 का आयोजन आपके उदयपुर जिले में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में राजस्थान गौरव पुरस्कार से ओम सिंह राजावत को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चलाए गए नवाचार मिशन सुरक्षा चक्र अभियान का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में चलाए गए नवाचार मिशन सुरक्षा चक्र अभियान का संबंध एनीमिया जांच से है। और ये अभियान किस जिले में चलाया गया? तो ये अभियान आपके बाड़मेर जिले में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नाबालिग भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में नाबालिग भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान आपके पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा में सभी मैट महिलाएं काम करने वाली राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनरेगा में सभी मैट महिलाएं काम करने वाली राजस्थान का पहला जिला है भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले द्वारा की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अक्षय ऊर्जा निगम को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में अक्षय ऊर्जा निगम को टोटल 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में किस पैटर्न पर आधारित पढ़ाई करवाई जा रही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में RBSE के पैटर्न के आधार पर पढ़ाई करवाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा प्रकाश एक अभियान राजस्थान के किस जिले में चलाया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा प्रकाश एक अभियान राजस्थान के नागौर जिले में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हथकरघा उत्पादों पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हथकरघा उत्पादों पर टोटल 25% की छूट दी जा रही है। कितने परसेंटेज की? 25% की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल नजहा संयुक्त सैन्य अभ्यास किस जिले में आयोजित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल नजहा संयुक्त सैन्य अभ्यास आपके बीकानेर जिले में आयोजित किया गया। ये किन दो देशों के बीच में अभ्यास हुआ? तो ये आपके भारत और ओमान देशों के बीच में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिस राजस्थान 2022 का खिताब तरुषी रॉय ने जीता है। और 2021 का पूछे तो मिस राजस्थान 2021 का खिताब है वो मानसी राठौड़ ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी को राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में गगन खोड़ा को राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस व्यक्ति को वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के सुरेंद्र अवाना को वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब ज्योति सिंह ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29वां मथुरा दास माथुर अवार्ड जूनियर वर्ग में किस खिलाड़ी को देने की घोषणा की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29वां मथुरा दास माथुर अवार्ड जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को देने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सीनियर वर्ग में बात करें तो सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी को, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को नियुक्त किया गया है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना 39वें मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा जल को एकत्रित कर सिंचाई के काम में लेने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा जल को एकत्रित कर सिंचाई के काम में लेने के लिए खेत तलाई योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 महेंद्र भानावत को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में कितने मंडल में गति शक्ति यूनिट का गठन किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में टोटल 4 मंडल में गति शक्ति यूनिट का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वीं राष्ट्रीय खेल में कविता सियाग ने कौन सा पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 36वीं राष्ट्रीय खेल में कविता सियाग ने स्वर्ण पदक जीता है और इनका संबंध किस खेल से? तो इनका संबंध है साइक्लिस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में कौन सा जिला अव्वल रहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सीकर जिला अव्वल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरंजीवी परिवार की मुख्य महिला को किस योजना के तहत स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिरंजीवी परिवार की मुख्य महिलाओं को मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ 3 साल का इंटरनेट फ्री भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के स्वतंत्र डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के स्वतंत्र डायरेक्टर अर्जुन सिंह को नियुक्त किया गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सीईटी की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। राजस्थान के किस जिले में शरद महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के सिरोही जिले में शरद महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान पुलिस विजन 2030 पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में राजस्थान पुलिस विजन 2030 पुस्तक का विमोचन अशोक गहलोत द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा रसोई योजना में प्रति थाली अनुदान की राशि 12 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा रसोई योजना में प्रति थाली अनुदान की राशि 12 से बढ़ाकर 17 रुपये कर दी गई, यानी कि कितनी बढ़ा दी गई है? तो 5 रुपये बढ़ा दी गई, पहले 12 थी, अब कितनी होगी? 17। और इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 20 अगस्त 2020 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की पहली रोबोटिक थायराइड कैंसर सर्जरी किस अस्पताल में की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य की पहली रोबोटिक थायराइड कैंसर सर्जरी आपके एम्स जोधपुर में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कोविड-19 वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज की शुरुआत कब से हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में कोविड-19 वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज की शुरुआत 10 जनवरी 2022 से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कीर्ति शर्मा को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस विश्वविद्यालय द्वारा आदिवासी अध्ययन केंद्र खोलने की घोषणा की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा आदिवासी अध्ययन केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का पहला मंदिर जिसका प्रसाद डाक विभाग के जरिए घर घर पहुंच रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रदेश का पहला मंदिर है बाबा रामदेव मंदिर, जिसका प्रसाद डाक विभाग के जरिए घर घर पहुंच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान डायरी नामक ऑनलाइन सर्कला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान डायरी नामक ऑनलाइन सर्कला आपके पर्यटन क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में वायु शक्ति 2 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के जैसलमेर जिले में वायु शक्ति 2 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री सलाहकार कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री सलाहकार है निरंजन आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिथेश निर्मोई को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी के नए कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आरपीएससी के नए कार्यवाहक अध्यक्ष आपके जसवंत सिंह राठी को नियुक्त किया गया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है, आरपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वीर सपूत जिन्हें मरणोपरांत श्रेष्ठ जीवन रक्षक पदक देने की घोषणा हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के वीर सपूत है राम अवतार गोदारा, जिन्हें मरणोपरांत श्रेष्ठ जीवन रक्षक पदक देने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विभाग के आयुक्त जिन्हें ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड कृषि विभाग के आयुक्त ओम प्रकाश को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की नई सचिव के रूप में पदभार किसने संभाला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की नई सचिव के रूप में पदभार संभाला है मेघना चौधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला बॉन बैंक किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का पहला बॉन बैंक आपके कोटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी प्रदान की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के दौसा जिले में एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में पहली सीएनजी बस की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगी, राजस्थान की पहली सीएनजी बस की शुरुआत जयपुर कोटा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के नए कुलपति केएल श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला मूक बधिर कॉलेज किस जिले में खोला गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का पहला मूक बधिर कॉलेज आपके जोधपुर जिले में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी पर रखा जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भीलवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया का नाम स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी जिले को किस अभियान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के लिए बूंदी जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत कब से हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत 7 मार्च से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस महिला को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की महिला बतूल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में ऑपरेशन अस्मिता चलाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के बूंदी जिले में ऑपरेशन अस्मिता चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में मिस्टर बीकाणा और मिस मरवण का खिताब क्रमशः किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में मिस्टर बीकाणा का खिताब है वो अशोक वोहरा ने जीता और मिस मरवण का खिताब है वो रुचिका ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान की शुरुआत डूंगरपुर जिले में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है रामगढ़ विस्थारी वन्यजीव अभयारण्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ऑपरेशन क्लीन स्वीप किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन क्लीन स्वीप आपके मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ बेटी की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वस्थ बेटी की शुरुआत राजस्थान के अलवर जिले से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में स्क्रैप गार्डन बनाया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के जोधपुर जिले में स्क्रैप गार्डन बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक का नाम बदलकर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सोने के भंडार के लिए चर्चित देवतलाई गांव किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल में सोने के भंडार के लिए चर्चित देवतलाई गांव आपके भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जन आधार कार्ड कब से सभी योजनाओं में अनिवार्य रूप से लागू किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में जन आधार कार्ड आपके 1 अप्रैल 2022 से सभी योजनाओं में अनिवार्य रूप से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2022 का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में राजस्थान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की अपूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में राजस्थान 11वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस वर्ष तक सभी ग्रामीण घरों में हर घर जल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में हर घर जल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन आग का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन आग का संबंध है अवैध हथियारों को पकड़ने से। किससे संबंध है? अवैध हथियारों को पकड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022 के लिए किसे चुना गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022 के लिए राम स्वरूप शर्मा को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर घर औषधि योजना में किस ऐप के माध्यम से पौधों का वितरण हो रहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, घर घर औषधि योजना में GGAY ऐप के माध्यम से पौधों का वितरण हो रहा है। और घर घर औषधि योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत आपके 1 अगस्त 2021 से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का परीक्षण कहाँ किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का परीक्षण जैसलमेर जिले के पोकरण में किया गया है। और किसके द्वारा यह परीक्षण किया गया? तो यह परीक्षण DRDO द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में टीडी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में टीडी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन लालचंद कटारिया ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाघ ST6 की मृत्यु के कारण कौन सा टाइगर रिजर्व चर्चा में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाघ ST6 की मृत्यु के कारण सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा है किस राज्य जिले में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अलवर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जनलेखा समिति के सभापति किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जनलेखा समिति के सभापति गुलाब चंद कटारिया को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के खिलाड़ी सुखबीर सिंह का संबंध किस खेल से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के खिलाड़ी सुखबीर सिंह का संबंध है हैंडबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बालिकाओं को किस अभियान के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिला युवा उत्सव का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जिला युवा उत्सव का आयोजन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के किस जिले में शुरू किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के जैसलमेर जिले में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति अहिंसा विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वन्यजीव सप्ताह का आयोजन कब से शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में वन्यजीव सप्ताह का आयोजन आपके 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की खिलाड़ी मोनिका जाट का संबंध किस खेल से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के खिलाड़ी मोनिका जाट का संबंध आपके साइक्लिस्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला डूंगर कल्याणी राजस्थान शिखर 2022 पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कला डूंगर कल्याणी राजस्थानी शिखर 2022 पुरस्कार नार सिंह जसोल को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन 7 से 8 अक्टूबर को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी मुक्त राजस्थान अभ्यास में सबसे सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले जिलों में शीर्ष पर कौन सा जिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में शीर्ष पर आपका है सीकर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने मिनी फूड पार्क स्थापित करने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की मंजूरी किस जिले में दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान सरकार ने मिनी फूड पार्क स्थापित करने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन की मंजूरी आपके 12 जिले में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के स्वतंत्र डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के स्वतंत्र डायरेक्टर अर्जुन सिंह नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि मुनियों को समर्पित पहला म्यूजियम किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऋषि मुनियों को समर्पित पहला म्यूजियम आपके पाली जिले में स्थापित किया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान ने टोटल 30 पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधायक भंवरलाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, विधायक भंवरलाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र था सरदार सर, जो कि कहाँ स्थित है? चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 आपके महेंद्र भानावत को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जयंती पर राज्य सरकार ने खादी वस्त्रों पर कितने प्रतिशत की छूट दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जयंती पर राज्य सरकार ने खादी वस्त्रों पर आपके 50% की छूट दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिग महोत्सव का आयोजन आपके भरतपुर जिले में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की नई ऊर्जा नीति हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की नई ऊर्जा नीति हेतु गठित समिति के अध्यक्ष है भास्कर सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 15 अक्टूबर को राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 2020 से ही की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शेरपा का आयोजन किस जिले में किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, G20 शेरपा का आयोजन आपके उदयपुर जिले में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र आपके चूरू जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में विजेता कौन रहे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में विजेता रहे अनिल शर्मा, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं और जो कि वर्तमान में आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48वीं पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 48वीं पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली कलेक्टर जहां ई फाइल सिस्टम की शुरुआत हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की पहली कलेक्टर जयपुर है जहां ई फाइल सिस्टम की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में किस दिन को सभी जिला मुख्यालयों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज फहराया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में 24 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज फहराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उजास अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले में हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उजास अभियान की शुरुआत राजस्थान के अलवर जिले में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस पैरा खिलाड़ी को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की पैरा खिलाड़ी अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आई एम शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट आपके वीरवाड़ा जो कि सिरोही जिले में स्थित है वहाँ शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन आपके राजसमंद जिले में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ आपके शिक्षा मंत्री बीडी कला ने किया। किसने किया? शिक्षा मंत्री बीडी कला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान ने अपना पराक्रम दिवस कब मनाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राजस्थान ने अपना पराक्रम दिवस 5 दिसंबर को मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कौन सा इम्प्लांट पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत काकलियर इम्प्लांट को पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू की जाएगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राजस्थान के बीकानेर जिले में राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ टीकाराम जूली ने किया। किसने किया है? टीकाराम जूली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटकों के लिए एयर टैक्सी सुविधा शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में पर्यटकों के लिए एयर टैक्सी सुविधा शुरू करने की घोषणा धर्मेंद्र राठौड़ ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का आयोजन कहाँ होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। और कब किया जाएगा? तो 11 से 13 मार्च 2023 को किया जाएगा। तो ये थे आपके राजस्थान करंट अफेयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 180+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अभी तक आपने राजस्थान सीईटी की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हो।